सानी इंटरनेशनल हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। खिर्द ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सामियात इकराम, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की सरबुलंदी और बरतरी की एक तदबीर बतलाई है। ऐलान क्या है कि ए मुसलमानों तुम ही कामयाब हो, तुम ही इस दुनिया के मालिक हो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे लिए है, इज्जत और शराफत के तुम ठेकेदार हो, कायनात तुम्हारे आगे झुक सकती है, चरिंदे परिंदे तुम्हारी इताअत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगाई है। फरमाया तुम्हें सर बुलंदी हो बशर्त के तुम मोमिने कामिल हो, ईमान की हलावत और चाशनी तुम्हारे अंदर हो, यकीनन कामिल की दौलत से तुम मालामाल हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुख्तसी से जुमले और इस छोटी सी आयत में हकीकत का इंकशाफ किया है, आंखें खोल दी है, साफ तरीके से फरमा दिया है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई खौफ महसूस ना करें, शेर तुमसे डर सकते हैं, चीते तुमसे कब कपा सकते हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारा गुलाम बन सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगाई है। दोस्तों आज का इंसान ये तो चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुक जाए, दस के मुकाबले में अकेला काफी रहे, जिस चीज को वो छुए वो सोना बन जाए और दुनिया उसकी इज्जत और अजमत को सलाम करे और हर तमन्ना उसकी पूरी हो, हर ख्वाहिश इसका पढ़कर इस्तकबाल करे, लेकिन वो भूल जाता है इसको ये मकाम तभी हासिल हो सकता है जबकि इसकी हर चीज अल्लाह की हो जाए, इसको ये मकाम उसी वक्त हासिल हो सकता है जबकि इसकी हर चीज अल्लाह की हो जाए। बेशक बेशक शेख सईदी रहमतुल्लाह ने एक शख्स को देखा कि वो शख्स शेर के ऊपर बैठा है, डंडा उसके हाथ में है और शेर का कान ऐंठ रहा है, शेर बिना चून और चरास उसकी ताबेदारी कर रहा है। शेख सईदी रहमतुल्लाह को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उस आदमी ने शेख सईदी रहमतुल्लाह से कहा, ए सईदी रहमतुल्लाह आप मुताज्जुब क्यों हैं? आपको हैरानी क्यों है? ये तो शेर है, दुनिया की हर चीज तुम्हारे ताबेदारी बन सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगाई है। बहुत अच्छे। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। बेशक बेशक शाबाश। बस मैं यहीं पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।